वैक्सीन लेने पर पैसे मिलेंगे ऐसा लालच देकर एक महिला को फंसा कर उसके साथ 30,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। इस घटना में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी की है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जामदार ने दी। शहर में दिन प्रतिदिन धोखाधड़ी के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसी श्रृंखला में शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां कोविड की वैक्सीन लेने पर पैसे मिलेंगे ऐसा लालच देकर एक महिला को फंसाकर उसके साथ 30,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी पांच पावली शिव मंदिर के पीछे बाजार में जा रही थी, जिस दौरान 35 वर्षीय आरोपी उनके पास आई और कहा कि कोरोना की वैक्सीन लेने पर पैसे मिल रहे हैं। ये कहकर उन्हें एक ऑटो में बिठाकर ले गई। इस दौरान आरोपी ने फरियादी को कहा कि आपके गहने दो, आपको लोन देती हूँ और उनके पास के सोने के गहने जिनकी कीमत 30,000 रुपए है वो लेकर भारतीय स्टेट बैंक टांगा स्टैंड चौक यहाँ गई। फरियादी बैंक के बाहर खड़ी थी। आरोपी का लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसे अपने साथ ठगी होने की बात पता चली, जिसके चलते उन्होंने शांतिनगर पुलिस थाने में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई। बरोबर आहे। काल 27 तारखेला दुपारी 2 वाजेच्या दरम्यान एक ताराबाई हेडाऊ नावाची महिला आहे, 60-65 वर्ष वय आहे तिचं। ती पाचपावली येथे राहते। काही कारणास्तव ती आमच्या हद्दीतील झाडे चौक या ठिकाणी आली होती। तिथे तिला एक साधारण 35 वर्ष वयोगटातील एक महिला भेटली। तिने त्या महिले त्या फिर्यादीला सांगितले की जर आपण लस घेतली असेल तर आपल्याला पैसे मिळत आहेत। त्यावर तिने फिर्यादीने विश्वास ठेवला आणि तयार झाली। मग आरोपीने त्या फिर्यादीला एका मॅक्सी ॲटोमध्ये बसवलं आणि भारतीय स्टेट बँकपर्यंत घेऊन गेले। दरम्यानच्या कालावधीमध्ये तिने तिला सांगितले की तुला मी लोन देते, तुझ्या अंगावरचं सोनं दे। तिने गाळ्यात कानातील 8 ग्रॅमचं सोनं काढून तिला दिलेलं आहे। साधारण 30,000 रुपयाची तिची फसवणूक झालेली आहे। नागरिकांना मी असंच आवाहन करू इच्छितो की कोणी भूलथापांना बळी पडू नका। कुठलीही गोष्ट आपल्याला समजली तर सर्वप्रथम व्हेरीफाय करा आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई करा। पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है, वहीं आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।